अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं गुलनाज राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स बाय गुलनाज राशिद। आज की रेसिपी हमारी रमज़ान स्पेशल है। आज मैं टमाटो केचप की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। रमज़ान में टमाटो केचप का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, तो मैं इससे पहले ही ये बना के रखती हूँ। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपका केचप भी घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ के जी टमाटो लिए हैं और इनको मैं बड़े बड़े पीसीज में काट लेती हूँ। अब मैंने हाफ के जी टमाटर को पीसीज की फॉर्म में इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स काट लिए हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसको भी बड़े पीसीज में काट लिया है। एक दालचीनी का पीस लिया है। 7-8 मैंने लहसुन के जुए लिए हैं, ये छोटे साइज़ के हैं। मैं देसी लहसुन यूज़ करती हूँ, तो अगर आपके पास बड़े हों तो आप 4 या 5 भी ले सकते हैं क्लोव्स। ये जो एक अदरक का पीस लिया है 1 इंच का, इसके अंदर ये जो लौंग है ये मैं इस तरह से दबा दूँगी। इस तरह बाद में इनको निकालना ईजी होगा। ये सारी चीज़ें हम बाद में ब्लेंड करेंगे, लेकिन लौंग हम इसमें ब्लेंड नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल के मैंने पैन में रख दी है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें पानी डाले बगैर इसको 15 मिनट लिड लगा के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इस तरह से ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी तमाम चीज़ें। पानी इसलिए ऐड नहीं किया कि टमाटर के अंदर खुद बहुत सारा पानी होता है, प्याज में भी पानी है, तो इसी पानी में ये सब चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी। अब आप इसमें 2 से 3 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे 15 मिनट के दरमियान। इसने खुद ही काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, ये देखें ये इसमें डिप हो रहे हैं, तो ये 15 मिनट तक इसी तरह पकते रहेंगे। आप बस 2-3 दफ़ा इसमें चम्मच चला दें। अब ये 15 मिनट हो गए हैं टमाटोज को पकते हुए और बाकी की चीज़ें लहसुन प्याज वगैरह भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं स्टोव ऑफ कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दालचीनी और लौंग हमने इसमें से निकाल दिए हैं। अब इस मटेरियल को मैं ब्लेंडर के जग में डालती हूँ और 3 मिनट के लिए इसको ब्लेंड करूँगी। इस मटेरियल को अब मैं ब्लेंडर से स्ट्रेनर में ऐड करूँगी और इसे हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए हम इस तरह से स्ट्रेन करते जाएंगे। अब ये मैंने तमाम पेस्ट को स्ट्रेन कर लिया है, ये देखें इसके अंदर छिलके और बीज बचे हैं। अब ये मटेरियल स्टेन करके मैंने इसके अंदर डाला है बाउल के और चूल्हा ऑन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी, वो अज़ा आप नोट कर लें। चीनी 1/2 कप इसके अंदर ऐड कर दी। अब सॉल्ट और रेड चिलीज भी डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर। अब हम इसको दोबारा से कुक करेंगे। अब ये पकना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें 1/4 कप या 4 टेबलस्पून सिरका ऐड करूँगी। अब इसे गाढ़ा होने तक यानी मतलूबा कंसिस्टेंसी आने तक हम इसे कुक करेंगे। अब 7 मिनट्स हो गए हैं इसको पकते हुए। अब चेक करते हैं कि ये रेडी है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक प्लेट ली है और इसके अंदर मैं कुछ ड्रॉप्स केचप के ऐड करूँगी। इसको आप ये डाउन करके देखें, ये अलग से पानी नज़र आ रहा है, ये देखिए पानी सेपरेट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जब ये आना बंद हो जाएगा देन इट्स मीन कि ये रेडी। अभी ये रेडी नहीं है, अभी मैं इसे मज़ीद कुक करूँगी। अब अगेन मैंने इसे 5 मिनट्स कुक किया है, दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा रेडी है अब, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब स्टोव हम ऑफ़ कर देते हैं और इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। केचप हमारा ठंडा हो चुका है, अब मैं इस जार में इसे डाल लेती हूँ। हमारा मज़ेदार केचप तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।